हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एंड एक शानदार ब्लॉग। तो बार है आज बुधवार और तारीख है आज 18। टाइम हो रहा है सुबह का 7:45। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई 5 बजे से। अभी तक चाय भी पी, मैंने चाय पी, झाड़ू पोछा मारा, इसके बाद आ गई मैं अपने प्यारे से किचन में। अब लड़के के लिए चाय बना दी क्योंकि मेरे लड़के को स्कूल जाना है। उस वक्त गैस जो का साफ करना था, साफ बजे तक पानी भी गैसों का साफ करना है। पानी आ गया है, पानी भर लूं। देखती हूँ टाइम मिले तो उसको भेज के आती हूँ।
इसका बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए धोने के लिए। और पानी को मैंने मार दिया है, खाली बहुत नहीं रह गई है, जो टाइम लगेगा अगर मैं करके लेते तो नहीं लगेगा तो कुछ जाएगा। नाक हो गया है उसका पैमाना बाकी है पानी का पानी के बाद बस में पानी भर के हो गया है। आ गई मैं कपड़े धो के, अब जाती हूँ मैं किचन में नाश्ता बनाने, तो बने रहे आप मेरे। जी बन गई, मेरे आटा गूंद लिया है और मैं नाश्ते में मैंने बनाए रोटी, गवारी और आलू की भाजी और चाय बनाई थी। मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए, इसको चाय पीना और चाय पी, इसको कॉफ़ी पीना कॉफ़ी पी, क्योंकि मेरे को बहुत ठंडी हो रही है इसलिए अपने लिए। अभी मैंने नाश्ता बना के हो गया, अभी किचन का काम मेरा क्लियर हो गया, इधर ही वो साफ उफ कर दिया मैंने किचन पूरा। अब जाती हूँ मैं नाश्ता करने के लिए, तो आप मेरे साथ ही अपने रूम में। अब मैं नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ के, क्योंकि थक गई हूँ मैं सुबह से। चाय पानी बर्तन झाड़ू कर कर नाश्ता कपड़े कुपड़े, अब नाश्ता बना के अब नाश्ता कर नाश्ता करके हुआ मेरा। इसके बाद भी थोड़ा भाजी लेने गई थी, भाजी लेके आए स्कूल गई, स्कूल से आई। अब डालती हूँ मैं कपड़े सुखाने, डालती हूँ उसके बाद मेरे को कपड़े डालने सुखाने के लिए, भाजी साफ करी और फिर मैं स्कूल जा रही हूँ लड़की को छोड़ने। तो अभी स्कूल से अभी स्कूल चल दिया अपने कुछ गाड़ी को बोलती स्टार्ट ये करेगी आज, ये देखो बिना स्टार्ट कर रही ऐसे चलाती है गाड़ी, ये देखो। अभी मैं स्कूल से, अब मैं रखती हूँ दाल चावल और भाजी साफ कर, प्यारे से किचन में अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ। मैंने दाल और चावल और अब मैं ये भाजी साफ करती हूँ, भाजी है ना यहाँ पे, ये भाजी साफ। तो ये मैंने रख दिया कढ़ाई भाजी के लिए, जिसमें मैंने हींग राई पनीर का मैंने दाल के लिए जितना कम पड़ेगा डाल दी, मैंने आलू इसका चीज़ से आलू में थोड़ा लाल करेगी, तो इसमें डाल दी मैं कांदा, तो मैंने ये कांदा यहाँ पे काट करेगा कांदा और हरी मिर्ची, ये है मेथी की भाजी, ये डाल दिया मैंने इसमें कांदा, मैं हल्दी मिर्ची धनिया डाल दिया मैंने इसको घुमाते ऐसे पक जाएगा। तो ये मसाला मेरा थोड़ा पक गया है, तो इसमें डालूंगी मैं मिर्ची। तो दाल के लिए रख दिया मैंने पतीला, पतीले में डाल दिया तेल और तेज़पत्ता, ये हींग है, और ये डाल दिया मैंने राई,
डाल दिया लहसुन पहले, लहसुन डाल दिया और उसके बाद कांदा और हरी मिर्च डाल दी। दाल का मसाला मेरे अच्छे से पक चुका है और इसमें डाल दी मैं हरा धनिया। बस मसाला पक चुके थे, अभी मैंने दाल डाल दी उसमें, जितना मुझे चाहिए पानी उतना पानी मैंने बना दिया। बस दो बार आटा गूंथती हूँ, अभी दाल बन गई, भात बन गया, भाजी 5 मिनट में हो जाएगी, अभी फिर आटा गूंथती हूँ। दो बजे तक मुझे स्कूल जाना है, 2 बजे से पहले स्कूल जाना है, कि 2 बजे तक मेरा पेपर छूट जाएगा। बस भाजी भी मेरी तैयार हो गई है, बस भाजी भी बन गई है मेरी, अभी इधर तवा रखती हूँ, तवा रख के रोटी बनाने के लिए भाजी तैयार हो गई है। आती हूँ दोस्तों, रोटी बनाती हूँ। चम्मच ही नहीं है, ये थोड़ा घी लगाना है। ये हो गई है, अब पकड़ दे फिर सर लेते हैं। गृहिणी है, गृहिणी, गृहिणी का काम है घर का काम संभालना, घर को संभालना, तो मेरी आजीविका है, दिनचर्या। बस मेरी रोटी हो गई है, भात, चने की दाल, मेथी पालक की भाजी और रोटी बन गया है। अभी जा रही हूँ बेटी को लेने के लिए, खाना बनाया, भाजी
दाल रोटी और भात बना है। हम पहले बेटी को लेने जाती हूँ क्योंकि उसका पेपर है, यूनिट टेस्ट हो रहा है, तो वो छूट गई है, मतलब 2 बजे छूट दिया था, 2 बजे तक मेरे को स्कूल लग जाए। छूट गए बच्चे, बच्चे छूट गए इसके लिए। पहुँच गई है, अब जाते हैं हम अपने प्यारे से रोटी है। अब हम 5 बज चुके हैं और मेरी बन गई है चाय, अभी चाय पीते हैं। गिलास पीने की आदत है नहीं, कभी कोशिश करती हूँ, आधा डाली पीती हूँ कटोरी से। शाम का 6 बज चुका है, मैं जा रही हूँ भाजी लेने के लिए मार्केट। अंधेरा हो गया है, थोड़ा इधर से मैंने बड़ा लॉन्ग राउंड मार के आती हूँ इधर से। इधर का नज़ारा दिखाते पीछे डेरे में उठा भाजी लेके आए, इधर से घूम के जा रहे हैं, थोड़ा लंबा रहा है। इधर सब लोग बैठे हैं इधर गार्डन में, वहाँ उधर लाइट भी लगी। कितना ही बिल्डिंग बनी है आजकल, इधर भी दिख रही ये बन, इधर का नज़ारा देखो। तो वॉक करने के लगे हैं, वो तो टाइम नहीं लगता है। उधर हाईवे है, छोटा मोटा रोड, आगे से मेरे को अंडा लेना है ना, इसलिए मैं लॉन्ग राउंड मार के आ रही, थोड़ा घूम के आती हूँ। उधर से दुकान तो आगे भी थी जिधर मैंने भाजी ली है, लेकिन मैंने बोला इधर से जाती हूँ क्योंकि मुझे इधर से टेलर के पास भी जाना है, घर में जाओ फिर आओ कौन आएगा इतना, इसलिए एक रास्ते जाते हैं, 2-3 काम हो जाते हैं अपने। भाजी लेके गया भाई, अंडा लेगी यहाँ पे, उसके बाद आप टेलर के पास आएगी, वहीं से घर पे जाएगी। एक ये है नई बिल्डिंग, इसके नीचे मॉल है छोटा सा। ये है एक बिल्डिंग नई बनी है, लेकिन इसके नीचे तुरंत उन्होंने मॉल खोल दिया है, दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं। ये है मॉल, नीचे भी पूरा मॉल है, ऊपर भी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये अंडे की दुकान है, इधर होल सेल वाला है, इधर गाड़ी स्कूटी जो स्कूटी का शोरूम है। अब
मैंने स्वेटर पहनी है, घर के अंदर ठंडी हो रही थी, मैंने सोचा बाहर भी ठंडी होगी, बाहर दिखा घर में लोग ऐसे देख रहे जैसे लोगों ने कभी देखा ही नहीं है। अरे अपनी सोसाइटी में सोसाइटी का भाव आ रही है, बाहर गई में से हालत ख़राब हो गई मेरी। मैं स्वेटर किधर निकालू, मैं निकाल भी नहीं सकती स्वेटर। चलिए आ गई मैं घर में, घर के अंदर तो बहुत ठंडी थी लेकिन बाहर गर्मी हो रही थी, लोग ऐसे देख रहे थे मेरे को जैसे इन्होंने कभी इंसान देखा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वेटर पहन के गई थी बाहर क्योंकि मेरी तबीयत हो रही है ठंडी से अचानक ख़राब। तो मैंने बोला क्या करूँ, फिर उसी के बोलने से लेने दे से क्या मुझे क्या क्या करने का है, अब मुझे तो अपना शरीर देखना है, सबका अपना अपना शरीर है, जाने दो। तो आ गई मैं भाजी लेके, भी भाजी साफ। आजकल क्या है ठंडी है, ठंडी की वजह से मैं चाय पी रही तो मेरा बीपी बढ़ रहा है, बीपी बढ़ने से क्या हो रहा है कि मेरे मुंह पे पूरा सूजन आ रहा है, सूजन कम ही नहीं हो रहा है। बीपी की दवाई तो डेली खाती, बोलते लाइफ टाइम खाना है, खाती हूँ सुबह लेकिन नहीं हो रहा कम, तो हाथ बंद करने को भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूँ, ना पीऊँ तो ठंडी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, पीऊँ तो गर्म हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है। मैं हमेशा की तरह अपने प्यारे से किचन में अब बनाती हूँ मैं खाना, अभी मैंने रखा है दूध और रोटी बनाती हूँ, रोटी भाजी बस शुरू करती हूँ अपना काम डिनर। दूध रख दिया, रोटी बना दी, भाजी डाल दी बन के, उसके बाद अंडा भुर्जी बना ली। अभी पानी आई बात, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। रात का 8, मैंने रोटी बना दी, भाजी बना दी, दाल बनाई, जीरा राइस बनाया और अभी अंडा भुर्जी बनाना बाकी है क्योंकि पानी आ गया है। तो अभी मैं ये बोतलें हैं, मैंने ड्रम भरा, अभी बोतलें भरती, टंकी भरा, बोतलें बाकी हैं उसको भरती, उसके बाद अंडा भुर्जी। अभी 1.5 घंटा, आधा घंटा पानी आता है, 8 से 8:30 पानी आता है, इसलिए मेरे को पहले पानी भरना है। सुबह के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। होटल को तो वो गिर जाते, धीरे कोई भी बर्तन धीरे से पकड़ जाती तो पटक से छोड़ जाते, पकड़ते पकड़ते गिर रहे।
ठंडी तो हो रही, मुझे इधर जा रही ठंडी होती तो ठंडी से क्या मेरे कमर भी दिखती और पैर भी दिखते हैं। पहले मेरा टंकी भरा, ड्रम भरा, पूरा हाय टूट भी गया। अभी लड़का होगा उसकी बोतल का ढक्कन, भगवान जाने मेरे पास की तो बात नहीं, ढक्कन लगाती बोतल को। बच्चे अभी ट्यूशन से आए और खेलने चले गए, एक घंटा खेल के आई हम, उसके बाद खाना खाते हैं। तो मैं अंडा भुजी भी बना लेगी, बहुत टेस्ट होती है। उसको संभालती हूँ। खाने में बनाया दाल, अंडा भुजी, रोटी, भाजी और सेजवान जीरा राइस। खाना थोड़ा आराम से, टाइम हो गया 10:45 हो गया टाइम, मैं हमेशा का यही है।